नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उत्तर प्रदेश से MLC इलेक्शन में हार पर मायावती ने सपा को घेरा। बसपा मुखिया मायावती ने गुरुवार को ट्वीट के माध्यम से लिखा कि यूपी विधान परिषद की 2 सीटों के लिए कल हुए उपचुनाव में हार निश्चित होने के बावजूद चुनाव में सपा द्वारा दलित व OBC उम्मीदवार को खड़ा करना, हरवाना तथा ज़्यादा संख्या बल होने पर इनकी अनदेखी करना, यह साबित करता है कि इन वर्गों के प्रति सपा की षड्यंत्रकारी नीति थोड़ी भी नहीं बदली है। अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उन्होंने लिखा कि सपा की सरकारों के दौरान इनकी ऐसी ही संकीर्ण व घृणित राजनीति से दलितों, अन्य पिछड़ा समाज के लोगों का काफ़ी अहित होता रहा है, इसलिए आगे ऐसे नुकसान से बचने के लिए इन वर्गों के लोगों को सावधान रहने की सख्त ज़रूरत है। बता दें कि विधान परिषद की 2 सीटों के उपचुनाव में सपा को दोस्तों बड़ा झटका लगा है। यहाँ दोस्तों सपा का सपाया हो गया है। दोनों ही सीटों पर उम्मीद के मुताबिक भाजपा ने जीत दर्ज कर ली। यहाँ भाजपा के मानवेंद्र सिंह को 280 और पदम सेन को 287 मत मिले हैं। इसी प्रकार सपा के राम जतन राजभर को 115 व राम करण निर्मल को 116 मत मिले हैं। दोनों पदों के लिए हुए मतदान में एक एक वोट अवैध भी घोषित हुआ है, लेकिन दोनों ही सीटों पर BJP का कब्जा हो गया है, जिसके बाद मायावती ने सपा को घेरा है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है उत्तर प्रदेश से। यहां भी दोस्तों BJP ने डंका बजा दिया है। आप अपनी राय कमेंट में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें।